अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम अनबॉक्सिंग करेंगे मोजिक 110 मॉडल की। बैटरी की बात की जाए तो यहाँ पर आपको 1900 एमएच की बैटरी देखने को मिलती है। तो चलें इस फोन की अनबॉक्सिंग स्टार्ट कर लेते हैं। अगर प्राइस की बात की जाए तो अभी पाकिस्तान में इसकी प्राइस 1500 के करीब है, लेकिन कुछ टाइम के बाद इसकी प्राइस 1700 के करीब आपको देखने को मिल सकती है। ओपन करने से पहले हम यहाँ पर कुछ डिटेल मेंशन की गई है कंपनी की तरफ से, वो पढ़ लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले आपको 1900 एमएच की बिग बैटरी यहाँ पर देखने को मिलती है, 2000 कॉन्टैक्ट नंबर देखने को मिल जाते हैं, आपको किंग वॉइस यहाँ पर सुनने को मिल सकती है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा आपको क्वालिटी अच्छी देखने को मिलती है आईटेल के फ़ोनों में। आपको कॉल एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा यहाँ पर देखने को मिल जाता है। इसके साथ आपको FM रेडियो देखने को मिलता है, 3D कवर यहाँ पर आपको यहाँ पर डिस्प्ले देखने को मिलता है, बिग टॉर्च यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती है। इसके साथ आपको बैक कैमरा देखने को मिलता है, जो कि नॉर्मल कैमरे होते हैं। आपको पता है यहाँ पर कोई खास कैमरे तो लगाए नहीं जाते कंपनी की तरफ से। तो चलें यहाँ पर बॉक्स को ओपन कर लेते हैं और देखते हैं कि क्या एक्सेसरी इसी बॉक्स में हमें आईटेल फ्राम कर रहा है। तो चलें ये बॉक्स को यहाँ पर हम कट कर लेते हैं। जब भी आप कोई फ़ोन बाय करते हैं तो PTA का स्टिकर लाजमी देख लिया करें। जब भी आप फ़ोन बाय करते हैं तो उसकी सील भी चेक कर लिया करें, तो रीपैक तो नहीं है डिवाइस। चलें जी यहाँ पर हम सील को कट कर लेते हैं और देखते हैं कि क्या एक्सेसरी देखने को मिलती है इसी डिवाइस के अंदर हमें। ओवरऑल देखा जाए तो प्राइस के हिसाब से देखा जाए काफ़ी अच्छी है यहाँ पर, क्योंकि प्राइस आपको काफ़ी मुनासिब यहाँ पर देखने को मिल जाती है। तो जी हम रैपर से इसको निकाल लेते हैं। यहाँ पर लुक की बात की जाए तो ये वाइट कलर है मेरे पास, काफ़ी प्यारा कलर यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। आपको मैट फिनिश की यहाँ पर लुक देखने को मिल जाती है। ज़्यादातर हमें आईटेल के डिज़ाइन काफ़ी प्यारे देखने को मिलते हैं। अगर बैक साइड की बात की जाए तो इसके साथ आपको छोटा सा कैमरा देखने को मिलता है। नीचे वाली साइड की बात करें तो आपको ऑडियो जैक देखने को मिलता है और चार्जर जैक देखने को मिल जाता है। ऊपर वाली साइड में आप टॉर्च लाइट देखने को मिल जाती है ऊपर वाली साइड में। नजर एक्सेसरी के ऊपर भी डाल लेते हैं। एक्सेसरी में आपको सबसे पहले यहाँ पर चार्जर देखने को मिलता है, जो कि नॉर्मल सी आपको चार्जिंग स्पीड देता है कोई। इसके साथ आपको एक बैटरी देखने को मिलती है, यहाँ पर आप देख सकते हैं 1900 एमएच की आपको बैटरी यहाँ पर देखने को मिल जाती है। तो बैटरी मेरे ख्याल से प्राइस के हिसाब से काफी अच्छी यहाँ पर रखी गई है आईटेल की तरफ से। इसके साथ आपको एक वारंटी कार्ड देखने को मिल जाता है, जिसमें आपको 12 माह की वारंटी देखने को मिलती है। तो चलें जी बॉक्स में और कुछ नहीं हमें देखने को मिलता, हम बैटरी लगा के देखते हैं जी। इसका बैक यहाँ पर हम निकाल लेते हैं। डिस्प्ले की बात की जाए तो डिस्प्ले आपको काफ़ी यहाँ पर छोटा देखने को मिलता है, पॉइंट के करीब यहाँ पर आपको डिस्प्ले देखने को मिलता है। अगर सिम की बात की जाए तो आपको 2 सिमों का यहाँ पर ऑप्शन देखने को मिलता है। आप इसके साथ SD कार्ड का आपको ऑप्शन नीचे वाली साइड में देखने को मिल जाता है। तो चलें ये फ़ोन को यहाँ पर ऑन कर लेते हैं, यहाँ पर बैक भी अप्लाई कर लेते हैं। चलें जी यहाँ पर फ़ोन को ऑन कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमें आईटेल का लोगो देखने को मिल जाता है सबसे पहले। फ़ोनों की बात करें तो कीपैड में हमें इस टाइम टॉप पर ये आईटेल ही कंपनी देखने को मिलती है पाकिस्तान की मार्केट में। अगर हम स्पीकर की बात करें तो काफ़ी अच्छी क्वालिटी यहाँ पर हमें स्पीकर की भी देखने को मिल जाती है तो मुझे तो फ़ोन काफ़ी पसंद आया, काफ़ी हल्का फ़ोन है, आप बिल्कुल इसको ईजी यूज़ कर सकते हैं। एक छोटा सा फ़ोन आपको देखने को मिलता है, बहुत बड़ा तो नहीं है, लेकिन ये क्या आपके पैसों के हिसाब से तो काफ़ी बड़ा है, क्योंकि यहाँ पर आपको बैटरी अच्छी देखने को मिल जाती है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करना मत भूलें। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।